तो प्रॉब्लम में बोल रखा है इफ A1, A2, A3 अप टू AN एंड कैपिटल A1, कैपिटल A2 अप टू कैपिटल AN एंड K आर ऑल रियल नंबर्स, देन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पर अल्फा बोल रखा है, सो अपन को अल्फा प्लस 15 की वैल्यू बतानी है, एंड AI नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कोई भी कैपिटल A1, कैपिटल A2 अप टू कैपिटल AN तक कोई भी 0 नहीं है यहाँ पर अपने, तो यहाँ पर अपन को इमेजिनरी रूट की बात करनी है, तो यहाँ पे मैं एक्स को कुछ अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप कर लेता हूँ, जहाँ अल्फा इसका रियल पार्ट है, बीटा इमेजिनरी पार्ट है, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देता है, सो ये A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा आ जाएगा, प्लस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस A2 प्लस आयोटा बीटा आ जाएगा, एंड यहाँ तक अपने पास AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस AN प्लस आयोटा बीटा आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू K है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कंजुगेट ले लेता हूँ, सो ये रियल है तो इसका तो अभी यही आएगा, यहाँ पर अल्फा एंड A1 भी रियल है, यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा बन जाएगा, यहाँ पर A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस A2, यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा बन जाएगा, अप टू AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस AN, यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा बन जाएगा इज इक्वल टू K, और रियल है तो कोई भी रियल होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो A1 स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा है, एंड -1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस A1 माइनस आयोटा बीटा, सो ये किस टाइप का आएगा, A1 स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा बीटा आ जाएगा, एंड डिवाइड में देखोगे तो अल्फा माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, वैसे यहाँ पर A2 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बीटा एंड डिवाइड में यहाँ पे अल्फा माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरीके से अप टू AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस AN का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में माइनस का 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नॉन जीरो दे रखा है अपन को सारे AIs यहाँ पर, सो ये तो 0 होगा नहीं, सो इस इक्वेशन को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को बीटा को 0 करना पड़ेगा, बीटा को 0, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, सो ये भी पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, ये कभी 0 नहीं है, सो इस सम को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा को 0 बनाना पड़ेगा, और जैसे ही बीटा 0 होगा तो अपना रूट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा जो कि रियल है, तो इसका कोई भी इमेजिनरी रूट यहाँ पर नहीं आएगा, सो यहाँ पर अपन के अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड मीन्स ये अल्फा बोल रखा है, तो मीन्स वो नंबर यहाँ पे अल्फा बोल रखा है, सो उस नंबर की वैल्यू इसको इसके साथ कंपेयर मत करना, सो अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पर ये, एंड ये अपना आंसर 15 आ जाएगा, सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकता है, सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।